राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज 70वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शाम 7 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम का दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के सभी नेटवर्क पर होगा प्रसारण। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय ध्वजों का इस्तेमाल ना करने का परामर्श किया जारी। राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के विभागों को जारी परामर्श में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय ध्वज संहिता तथा राष्ट्रीय गरिमा को ठेस पहुंचाने की रोकथाम संबंधी कानून के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने समकक्ष सुषमा स्वराज से नई दिल्ली में की मुलाकात। दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता, ब्रिक्स की तैयारियों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों समेत विभिन्न विषयों पर भी हुई चर्चा। एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर किसी तकनीकी मसले पर चर्चा का भारत ने रखा प्रस्ताव। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीमा पर सीज फायर का किया उल्लंघन। जम्मू के पुंछ सेक्टर में की गोलाबारी, भारतीय सेना की ओर से भी दिया जा रहा है इसका माकूल जवाब। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बातचीत को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के प्रस्ताव का भारत ने किया स्वागत। भारत पाक संबंधों में समकालीन और प्रासंगिक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता पर जताई सहमति। विदेश मंत्रालय ने सीमा पार आतंकवाद और घुसपैठ को रोकने और मुंबई एवं पठानकोट आतंकी हमलों पर ईमानदारी से जांच कराने की पाकिस्तान से की मांग। पाकिस्तान अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान में स्थानीय लोगों ने किया पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता बाबा जन की रिहाई की कर रहे हैं मांग। पाकिस्तानी सेना के गिलगित छोड़ने की आवाज बुलंद करने पर 509 जवानों की गिरफ्तारी की खबर। बरहमदाग बुक्ति ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भारत के दावे का किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को सराहा, कहा भारत को बलूचिस्तान में करना चाहिए हस्तक्षेप। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने कहा भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने वाला और आतंकियों को पनाह देने वाला पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान खुद आतंकवाद का झेल रहा है दंश। चेन्नई में कार्यक्रम में पारिकर ने कहा कि मौजूदा स्थिति में भारत को खुद को और मजबूत बनाना होगा ताकि कोई भी उसकी सीमा में आतंक ना फैला सके। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। नारायणपुर में आईटीबीपी और पुलिस के समक्ष 41 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। मैनपुर खोका रोड पर एक मुठभेड़ के दौरान एक महिला नक्सली की मौत। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंसा में लिप्त लोगों को कड़े परिणाम की दी चेतावनी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल भारतीय विदेश नीति पर आधारित एक किताब का किया विमोचन। इस मौके पर सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ आपसी सहयोग और सकारात्मक संबंधों पर यकीन करता है, लेकिन सीमा पर आतंकवाद को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज 11 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। सोनिया गांधी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार के बाद उन्हें गंगाराम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वाराणसी में एक रोड शो के दौरान सोनिया गांधी बीमार पड़ गई थी। 3 अगस्त को उनके बाएं कंधे की सर्जरी की गई थी। सीरिया के अलेप्पो और अन्य क्षेत्रों में हुए हवाई हमलों और गोलाबारी में 4 बच्चों सहित कम से कम 51 लोग मारे गए। विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी अलेप्पो शहर के इलाकों में सीरिया की वायुसेना के हमले में 15 लोग मारे गए। 9 लोग सरकार के कब्जे वाले पश्चिमी क्षेत्र में विद्रोहियों की गोलीबारी में मारे गए। 27 अन्य लोग अलेप्पो प्रांत के पश्चिम में सीरिया और रूस के हमलों में मारे गए। वेनेजुएला और कोलंबिया के बीच सीमा को करीब 1 साल बाद फिर से खोल दिया गया है। जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए हजारों लोगों ने कोलंबिया की सीमा को पार किया। गौरतलब है कि इस समय कई चीजों की कमी के कारण वेनेजुएला कई आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। 1 साल पहले सुरक्षा कारणों की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। सेंट लूसिया में भारत ने तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 237 रन से हराया। इस जीत के साथ भारत ने 4 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। कैरेबियन में पहली बार भारत ने टेस्ट सीरीज में जीते 2 टेस्ट मैच। महान अमेरिकी तैराक माइकल फिलिप्स ने रियो ओलंपिक में अपना आखिरी मुकाबला टीम इवेंट 4x100 मेडल रिले में गोल्ड मेडल के साथ पूरा किया। वहीं भारत की ललिता बब्बर ने महिलाओं की 300 मीटर स्टीपल चेज प्रतियोगिता के फाइनल में बनाई जगह। 32 साल बाद एथलेटिक्स के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला बनी ललिता बब्बर। पुरुष हॉकी टीम की आज बेल्जियम में होगी भिड़ंत। महिला हॉकी टीम को कल अर्जेंटीना ने 5-0 से दी मात। भारतीय महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर आज खेलेंगी महिला वर्ल्ड कप फाइनल।